दतिया की नई कलेक्ट्रेट में बुजुर्ग गंगाराम पत्नी आपदा ने कलेक्टर से लगाई गुहार। गरीबी से तंग बुजुर्ग गंगाराम का टूटा चश्मा तो पत्नी आपदा की टूटी चप्पल, इसके ऊपर से इनकी आर्थिक स्थिति है खराब, जिसके चलते ब्याज पर पैसा उठाकर कर रहे हैं बुजुर्ग अपनी खेती बोनी। पूर्व में बुजुर्ग गंगाराम पत्नी आपदा को लेवी से मिले थे 2 लाख रुपए, जिसे उनाव के रहवासी निसार खान के द्वारा कहा गया कि हमारा बैंक है, इसमें अपने पैसे जमा कर दो। तो हमने पैसे निसार खान को दे दिए, लेकिन जब बैंक में देखा तो पैसे नहीं आए थे। हम लोगों ने निसार खान से बोला कि हमारे पैसे दे दो, तो उन्होंने हमें चेक दे दिए। और जब हमने वह चेक बैंक में लगाए तो पता चला कि बैंक के अकाउंट में पर्याप्त पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गए हैं और पैसा नहीं मिला। यह आप बीती बुजुर्गों द्वारा बताई गई पत्रकारों को। कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्ति को सूचना भेज दी कि बुजुर्गों का पैसा तत्काल भरें, अन्यथा कार्यवाही सुनिश्चित है। मामले में कलेक्टर संजय कुमार ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं दतिया से रजनी लिटोरिया की खास खबर में। ये चश्मा कैसे टूट गया आपका? तो आप दूसरा नहीं बनवाया? अब दूसरे का कहा पैसे नहीं मिला, चप्पल टूटी खड़ा कह रखा था, ये धोती नहीं तो बहुत मार दी, फटी धोती जा रहा था, किसान कार्ड में फटा दे रहे, किसान कार्ड में सरकार में खर्च करते। गंगाराम ना हो, इनको आपदा ना हो, जिनको आपदा ना हो। हाँ, क्या परेशानी है जो आप आए हो? आपदा के हाथ में से निशान ने पैसा ले रहा है। पैसा किसके थे? बैंक में 2 लाख। काहे के थे पैसे? लेवी के थे पैसा, गेहूं के लेवी के। कितने पैसे मिले थे आप? 2 लाख। अच्छा, कितनी फसल है आपकी? कितनी बीघा जमीन? 20 बीघा जाएगा, खिड़िया घोंगू में है जाएगा। बाकी लेवी के पैसा थे गेहूं के, तो 2 लाख रुपया निसार ने न करवा के और ले लाए, फिर चेक दाए के पहले ट्रांसफ़र के लाने लाए कि ट्रांसफ़र करा दो हमारे केसीसी खाते में। सो ले लाए, बोले केसीसी में कल पहुँच जाए तुम्हारे खाते में। बस हम दूरसड़ा बैंक में केसीसी है, बोले हम ट्रांसफ़र करें दे थे कि तुम्हारे केसीसी खाते में पहुँच जाएगा, बोले कल तुम निकाल लियो। हम गए बैंक में, वहाँ एक पैसा नहीं पहुँचो, फिर से लौट के आए, सुबह ने 3 चेक दाए, बोले ले चेक से निकाल लियो। 3 चेक दाए, एक दो चेक 70,000 के, एक चेक 65,000 को। चेक लेके गए बैंक में, सुबह के खाते में पैसा नहीं है। किसके खाते में नहीं है? निसार के खाते में। हाँ, सो फिर बोलो नगद दे दें, न नगद दे रहा हो ना कछु दे रहा हो। और आज कलेक्टर साहब के पास क्या, किस लिए आए थे आप? जी के लाने आए थे कलेक्टर साहब के पास, कैसा हमारा पैसा दवा दो। 2 लाख रुपया निसार खान ने और निसार के कंप्यूटर चलाओ थे तरगुमा को धोबी बिन्न दोइया ने मिलकर खा लाए पैसा। वैसे तो ये धोखाधड़ी का मामला है और मैंने सोचा है कि एक कोशिश कर लूँगा, अगर वो बंदा आकर के अगर इसका पैसा दे देता है तो गरीब लोग हैं, शुरुआती प्रयास तो इनके पैसे को लौटाने का हो, और अन्यथा तो ये क्रिमिनल केस है ही है। और ये है कि क्रिमिनल केस में शुरू से ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसका पैसा तुरंत नहीं मिल पाएगा, फिर वो एक लिटिगेशन में चला जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि अगर वो स्वीकार कर लेता है और उसका पैसा दे देता है तो पहले उसका पैसा दिला दें, उसके बाद हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात सोचें। तो देखते हैं, बुलाया है उसको, एक बार अगर आ जाए और वो अगर स्वीकार कर लेता है देने के लिए तो शायद वो बेहतर रास्ता होगा, वैसा कोशिश कर रहा हूँ।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।